क्यों इस मूवी का डायरेक्टर एंड राइटर बदला गया? कौन कौन है इस मूवी में? ये मूवी का टाइटल पहले थालापति 65 रखा गया था, जब ये मूवी को लिखा एंड डायरेक्ट एआर मुरुगदोस ने किया था। अर्ली जनवरी 2020 में सन फोटो ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन एआर मुरुगदोस को अक्टूबर 2020 में निकाल दिया मूवी से, जब उन्होंने अपना रिन्यूमरेशन कट करने के लिए मना कर दिया पोस्ट कोविड। उसके बाद प्रोड्यूसर ने नेल्सन को हायर किया राइटर एंड डायरेक्टर के रोल में, जिन्होंने नया स्क्रिप्ट लिखा मूवी का और इस मूवी का टाइटल बीस्ट रखा। ये मूवी एक स्टार बेस्ड मूवी है। इस मूवी में विजय एंड पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं और सिल्वर राघवन, योगी बाबू एंड रेडिन किंग्सले सपोर्टिंग रोल्स में हैं। बीस्ट एक तमिल इंडियन एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे लिखा एंड डायरेक्ट किया है नेल्सन ने एंड प्रोड्यूस किया है सन पिक्चर्स ने। ये मूवी विजय के लीड रोल एक्टिंग में उनकी 65th मूवी है। ये मूवी रिलीज होगी 13 अप्रैल को। ये मूवी तमिल लैंग्वेज में रिलीज होगी, पर नॉन तमिलियन नाराज ना हो, क्योंकि ये मूवी आपके लिए तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ एंड हिंदी लैंग्वेज में डब्ड होके भी रिलीज होगी, तो आप सब अपने फेवरेट एक्टर विजय को देख पाएंगे। अब थोड़ी बात हम इस मूवी के स्टोरी के बारे में करते हैं। इस मूवी में चेन्नई का एक बिजी प्लेस शॉपिंग मॉल को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं, और वो हाईजैक क्यों करते हैं, उनके डिमांड्स क्या होते हैं। एक्चुअली उन्हें अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को रिलीज करना होता है, जिसके लिए वो हाईजैक करते हैं। फिर क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन टीम को सेट करके भेजा, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक एक्स कलीग फॉर्मर रॉ एजेंट उसी मॉल में होस्टेज बने हुए होते हैं, और वही हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की होस्टेजेस को छुड़वाने में। वो अपना एक मिशन स्टार्ट करते हैं मॉल में होस्टेजेस को टेररिस्ट से बचाने का, पर गवर्नमेंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ रिलीज करना पड़ता है, जब वो रॉ एजेंट के सारे प्लान फेल होने लगते हैं। पर हर मूवी में हीरो की ही जीत होती है, तो इस मूवी में कैसे नहीं होगी। लास्ट में रॉ एजेंट इतना इंटेलिजेंट प्लान बनाता है, जिससे उनका दोनों काम हो जाता है। वो टेररिस्ट से होस्टेज को भी बचा लेते हैं और सारे टेररिस्ट को मार भी देते हैं। क्या आपको पता है विजय अभी के टाइम के सबसे हाईएस्ट पेड साउथ इंडियन एक्टर हैं, जिनके हजारों फैन फॉलोइंग है। पर भले ही आपने उनको हर मूवी में एक अलग रोल में देखा होगा, इस मूवी में आप उनको वापस से एक यूनिक रोल में देखेंगे। ये मूवी एक बड़ी बजट मूवी है, जिसका बजट 150 करोड़ है। इस मूवी का बजट इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि ये मूवी में सबसे ज्यादा पेमेंट विजय को किया जा रहा है। उनका फीस 100 करोड़ रखा गया था, जब मूवी में उन्हें सेलेक्ट किया गया था, पर पोस्ट कोविड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उनका फीस कट कर दिया और 70 करोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, और यही नहीं, पूजा हेगड़े भी लीड रोल कर रही है मूवी में, इसलिए उनका भी फी 3 करोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा हेगड़े को ही क्यों लिया नेल्सन ने, जबकि वो तमिल बैकग्राउंड से भी नहीं है। एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में नेल्सन दिलीप कुमार ने बताया कि जब वो बीस्ट के स्टार्स को फाइनलाइज कर रहे थे, तभी एला वैकुन पुरामलो रिलीज हुआ। उसमें पूजा की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी और उसमें उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। तभी नेल्सन ने डिसाइड कर लिया था विजय का पेयर कोई नए एक्ट्रेस के साथ करेंगे, जिसके साथ विजय ने कभी काम नहीं किया होगा। नेल्सन ने ये भी बताया कि ये मूवी के लिए पूजा ने बहुत हार्ड वर्क किया। पूजा का तमिल नेटिव लैंग्वेज नहीं होते हुए भी उन्होंने सीखा अपने रोल के लिए और डायलॉग्स बोले खुद से। ऑल्सो इस मूवी में ऑडियंस ने ट्रेलर में SRK का पोस्टर देख के ट्विटर अकाउंट को ट्वीट से भर दिया। ऑडियंस सोच रहे हैं क्या फाइनली SRK एंड विजय कोलैबोरेट हो रहे हैं, पर वो तो एक सीक्रेट है और वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बीस्ट में अनिरुद्ध रविचंद्र ने म्यूजिक लिखा है, पर मूवी देखने से पहले कुछ उसके सीक्रेट्स भी जानते हैं, जिससे मूवी देखने में और मजा आएगा। नेल्सन दिलीप कुमार ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया, थालापति विजय ही वीर राघवन का रोल कर रहे हैं बीस्ट मूवी में, और वो एक रॉ एजेंट का रोल प्ले करेंगे, जो एक्शन से भरा हुआ होगा। वो ये भी बताया कि बीस्ट मूवी कोई पहले की मूवी जैसे कोला मावू कोकिला एंड डॉक्टर की तरह नहीं है, ये एक अलग ही मूवी है, जिसमें बहुत सारे एक्शन एंड कॉमेडी दोनों है। बीस्ट मूवी में 3 सॉन्ग होंगे। इस मूवी में 2 सॉन्ग जॉली ओ जिम खाना और अरेबिक कुत्थू रिलीज हो गया है,
और थर्ड सॉन्ग जो है वो एक स्टोरी का पार्ट है, तो वो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। नेल्सन दिलीप कुमार एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि अगर थलापति विजय एग्री नहीं होते इस मूवी में रोल करने के लिए तो ये मूवी बनती ही नहीं। इस मूवी में नेल्सन कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नए एक्ट्रेस के साथ साथ नया विलन भी ढूंढा और इसलिए उन्होंने ये रोल सेल्वा राघवन को दिया। नेल्सन को एक्ट्रेस भी ऐसी चाहिए थी जो विजय से मैच करे और नई हो, इसलिए उन्होंने पूजा को सिलेक्ट किया। इवन विजय और नेल्सन का केमिस्ट्री इतना अच्छा था कि विजय ने नेल्सन को मोटिवेट किया कि वो अपना नेक्स्ट स्क्रिप्ट सुपरस्टार रजनीकांत को सुनाए। एक वीडियो में पूजा अपने मूवी के लिए एक्साइटमेंट के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि 9 साल बाद मूवी करना इजी नहीं है और विजय के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बताती हैं कि उन्होंने ये मूवी में इतना एंजॉय किया कि ये मूवी की शूटिंग एक वेकेशन टाइम की तरह उन्हें लग रहा था। ये मूवी एकदम टिपिकल नेल्सन एंड विजय स्टाइल में है और बताती हैं कि ये मूवी करके उन्हें बहुत मजा आया। अब देखना ये है कि KGF 2 या बीस्ट कौन सी मूवी ज्यादा बॉक्स ऑफिस में अर्न करेगी और कौन सी मूवी ऑडियंस के दिलों में जगह बना पाएगी। आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।